नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 30 सितंबर और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 26 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर से रिलेटेड, तो उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो देखिए, अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष कौन है? श्री गिरीश गौतम जी। तो इन्होंने मध्य प्रदेश के पहले इको पार्क का लोकार्पण कहाँ पर किया है? तो ये रीवा डिस्ट्रिक्ट में किया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम ने मध्य प्रदेश के पहले इको पार्क का लोकार्पण रीवा डिस्ट्रिक्ट में किया है। और देखिए, अभी हाल ही में रीवा जिले से अलग होकर कौन सा डिस्ट्रिक्ट बना है? तो मऊगंज बना है। ठीक है, और मऊगंज हमारे मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है? तो ये 53वां जिला है, याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश का पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो ये नीमच जिले में स्थापित किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश का पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क नीमच जिले के आमलीभाट और बड़खेरा गांव में स्थापित किया जाएगा। तो देखिए, हमारे मध्य प्रदेश का पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क नीमच जिले में जावद के आमलीभाट एवं बड़खेरा गांव में आकार लेगा और हाल ही में मध्य प्रदेश कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा एमएसएमई मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा ने कहा है कि लगभग 40 एकड़ भूमि में करीब 50 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह पार्क अनुसंधान के साथ विकास का एक बड़ा केंद्र होगा। इसके साथ ही उद्योगों के लिए तकनीक हस्तांतरण से लाखों रोजगार सृजन का संवाहक भी होगा और संभवतः देश का यह 9वां पार्क शोध आधारित विकास की तकनीक उपलब्ध करवाएगा। और पार्क की स्थापना का मुख्य उद्देश्य बायोटेक्नोलॉजी में नवीन अनुसंधान और विकास संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देना है, जिसके लिए 8 उच्च स्तरीय प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश में दिवंगत मुख्यमंत्रियों की प्रतिमाओं की स्थापना से नए संग्रहालय का शुभारंभ किस जिले में हुआ है? तो ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जितने भी हमारे मध्य प्रदेश के दिवंगत मुख्यमंत्री है तो इनके लिए एक संग्रहालय बनाया गया है। तो इसका शुभारंभ जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में किया गया है? तो ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है? तो हमारे मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, और हमारे मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी थे। ठीक है, तो देखिए, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा मंत्रालय प्रांगण में दिवंगत मुख्यमंत्रियों की प्रतिमाओं के अनावरण अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा कहा गया है कि दिवंगत मुख्यमंत्रियों की प्रतिमाओं की स्थापना से भोपाल में एक संग्रहालय का शुभारंभ हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्रद्धेय पंडित रविशंकर शुक्ल, भगवंत राव मंडलोई, कैलाशनाथ काटजू, द्वारिका प्रसाद मिश्र, गोविंद नारायण सिंह, राजा नरेश चंद्र, श्यामचरण शुक्ल, प्रकाश चंद्र सिर्टी, वीरेंद्र कुमार सकलेचा, सुंदरलाल पटवा, अर्जुन सिंह, मोतीलाल वोरा, बाबूलाल गौर का स्मरण किया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्रियों की प्रतिमाओं का अनावरण भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए, एशियन गेम्स में 3 मेडल जीतने वाली हमारे मध्य प्रदेश की पहली खिलाड़ी कौन बन गई है? तो ये आशी चौकसे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 3 मेडल जीतने वाली हमारे मध्य प्रदेश की पहली खिलाड़ी आशी चौकसे बन गई है। और आशी चौकसे की बात करें, और देखिए, अभी कल ही हमारे मध्य प्रदेश के ईश्वरी प्रताप सिंह तोमर ने रजत पदक जीता था 50 मीटर एयर राइफल में, और इसके बाद में वो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो उन्होंने भी 3 मेडल जीत चुके हैं वो भी। ठीक है, लेकिन जो 3 मेडल जीतने वाली पहली खिलाड़ी है वो कौन बन गई है? आशी चौकसे। तो इनके द्वारा एक गोल्ड मेडल जीता गया है। तो जो गोल्ड मेडल जीता गया है ये कितने मीटर में जीता गया है? 50 मीटर 3 पोजीशन टीम इवेंट में जीता है। ठीक है, 50 मीटर 3 पोजीशन टीम इवेंट में इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है और एक सिल्वर मेडल जीता गया है। तो ये भी 50 मीटर 3 पोजीशन टीम इवेंट में जीता गया है और एक ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है। ये 50 मीटर 3 पोजीशन एकल इवेंट में जीता गया है। ठीक है, तो जो गोल्ड मेडल है ये टीम इवेंट में जीता है, सिल्वर मेडल टीम इवेंट में जीता है, और व्यक्तिगत स्पर्धा यानी एकल इवेंट में कौन सा मेडल जीता है? तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और सभी मेडल जो है वो 50 मीटर एयर राइफल में जीते गए हैं। ठीक है, और आशीष चौकसी की बात करें तो देखिए, इनको अभी हाल ही में 2022 का एकलव्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, आशीष चौकसी को। और आशीष चौकसी जो है इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। तो ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आपको पता होगा कि अभी एशियन गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है?
तो ये चीन के हांगझू में किया जा रहा है, ठीक है। और देखिए सुदीप्ति हजेला के द्वारा भी अभी एशियन गेम्स में मेडल जीता गया है, ये भी हमारे मध्य प्रदेश से है। पूजा वस्त्रकार के द्वारा भी गोल्ड मेडल जीता गया है, ये भी हमारे मध्य प्रदेश से है। और नेहा ठाकुर ने भी अभी मेडल जीता है, ठीक है, तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी आगे। आशीष चौकसी का संबंध किस खेल से है, शूटिंग से है। आशीष चौकसी किस जिले से है, तो भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। और एशियन गेम्स में 3 मेडल जीतने वाली हमारे मध्य प्रदेश की पहली खिलाड़ी बन गई है, ठीक है। और 3 मेडल अभी ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने भी जीते हैं। ईश्वरी प्रताप सिंह तोमर कहाँ से है, तो वो खरगोन डिस्ट्रिक्ट से है। तो देखिए एशियन गेम्स में 4th दिन भारत ने शूटिंग में 2 गोल्ड समेत 8 मेडल जीते। सिफत कौर ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में 469.6 स्कोर के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। इसी इवेंट में भोपाल की आशी चौकसे ने 4th दिन 50 मीटर 3 पोजीशन टीम इवेंट में सिल्वर और 50 मीटर 3 पोजीशन इंडिविजुअल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। उनके इस एशियाड में 3 मेडल हो गए हैं और वह हमारे मध्य प्रदेश की पहली ऐसी खिलाड़ी बन गई है जिन्होंने एक ही एशियाड में 3 मेडल जीते हैं। मध्य प्रदेश ने अब तक 9 मेडल जीत ली है, देखिए अब 10 हो गए हैं क्योंकि ईश्वर प्रताप सिंह तोमर ने कल ही एक सिल्वर मेडल जीता है जिनमें 3 गोल्ड है, अब 4 सिल्वर हो गए हैं और 3 ब्रॉन्ज शामिल है। और 2018 एशियन गेम्स इंडोनेशिया में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने 5 मेडल जीते हैं। तो देखिए चीन के हांगझू में 19वें एशियन गेम्स 2023 में ईश्वर प्रताप सिंह तोमर ने कौन सा पदक जीता है, देखिए इनके बाद तो देखिए मैं बता दूं, इन्होंने टीम इवेंट में 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में कौन सा मेडल जीता है, तो गोल्ड मेडल जीता है। और जब इन्होंने गोल्ड मेडल जीता तो टीम इवेंट में तो और कौन कौन से खिलाड़ी थे, एक तो दिव्यांश पवार थे और एक रुद्रांश पाटिल थे, ठीक है। 10 मीटर एयर राइफल एकल इवेंट में, ठीक है, व्यक्तिगत स्पर्धा में इनके द्वारा कांस्य पदक जीता गया है। तो 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर एयर राइफल एकल इवेंट में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। और 50 मीटर, ठीक है, 50 मीटर एयर राइफल एकल इवेंट में इनके द्वारा रजत पदक जीता गया है, यानी सिल्वर मेडल जीता गया है। तो देखिए इन्होंने स्वर्ण पदक भी जीत लिया है, रजत पदक भी जीत लिया है और कांस्य पदक भी जीत लिया है। रजत पदक और कांस्य पदक जो है वो व्यक्तिगत स्पर्धा में जीता है और टीम इवेंट में जो है वो स्वर्ण पदक जीता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ईश्वर प्रताप सिंह तोमर को 2019 में एकलव्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था और इनका संबंध खरगोन डिस्ट्रिक्ट से है। और ये किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो खरगोन डिस्ट्रिक्ट से है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए 25 सितंबर 2023 को हमारे मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस के स्टार शूटर ईश्वर प्रताप सिंह तोमर ने चीन के हांगझू में चल रहे 19वें एशियन गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। और ईश्वर प्रताप सिंह तोमर ने 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में 631.6 अंकों का योगदान कर भारतीय टीम को स्वर्ण पदक दिलाया है। एशियन गेम्स में ही 10 मीटर एयर राइफल एकल इवेंट में ईश्वर प्रताप सिंह ने 228.8 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर कांस्य पदक हासिल किया है। और ईश्वर प्रताप सिंह तोमर ने ही शुक्रवार यानी कल, ठीक है, कल यानी किस डेट को, 29 सितंबर को यहाँ 19वें एशियाई खेल 2023 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन व्यक्तिगत स्पर्धा में सिल्वर मेडल यानी रजत पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंदौर की सुदीप्ति हजेला ने 19वें एशियन गेम्स 2022 में घुड़सवारी में कौन सा पदक जीता है, तो इनके द्वारा भी गोल्ड मेडल जीता गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, स्वर्ण पदक जीता गया है सुदीप्ति हजेला के द्वारा। सुदीप्ति हजेला का संबंध किस खेल से है, घुड़सवारी से है। और इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है। और देखिए सुदीप्ति हजेला जो है वो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से भी सम्मानित की जा चुकी है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा, सुदीप्ति हजेला का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो इंदौर डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। और इनका संबंध किस खेल से है, तो घुड़सवारी से है। तो देखिए घुड़सवारी में भारत को 41 साल बाद यह गोल्ड मेडल मिला है और हृदय छेदा, अनुस अग्रवाल, दिव्यकृति सिंह और सुदीप्ति हजेला की ड्रेसेड टीम ने एशियन गेम्स 2023 में घुड़सवारी में स्वर्ण पदक जीता है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के हांगझू में यह स्पर्धा आयोजित की जा रही है। और देखिए सुदीप्ति ने अभी तक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 11 पदक जीते हैं जबकि नेशनल स्तर पर 92 पदक अपने नाम किए हैं। और सुदीप्ति को वर्ष 2020 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश सरकार ने इन्हें एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया था और इनको विक्रम अवार्ड भी मिल चुका है। क्वेश्चन है हमारा, शहडोल की पूजा वस्त्रकार ने 19वें एशियन गेम्स 2022 में क्रिकेट में कौन सा पदक जीता है,
तो देखिए आपको पता ही होगा कि क्रिकेट में वुमेन्स क्रिकेट टीम ने एशियाई गेम्स 2022 में स्वर्ण पदक जीत ली है। तो पूजा वस्त्रकार भी इस टीम में शामिल थी, तो इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो पूजा वस्त्रकार का नाम याद रखिएगा। पूजा वस्त्रकार जो है वो शहडोल डिस्ट्रिक्ट से है। पूजा वस्त्रकार का संबंध क्रिकेट से है और ये जो अभी हमारे देश की महिला टीम ने एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता है, ये इस टीम की हिस्सा थी और इनके द्वारा शानदार प्रदर्शन किया गया है इस एशियन गेम्स में। पूजा वस्त्रकार ऑलराउंडर खिलाड़ी है, ये बैटिंग भी कर लेती है और बॉलिंग भी करती है। और देखिए देवास की नेहा ठाकुर ने 19वीं एशियन गेम्स 2022 में महिला डिंगी नौकायन स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है, तो इनके द्वारा जो है वो सिल्वर मेडल जीता गया है, यानी रजत पदक जीता गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देवास की नेहा ठाकुर ने 19वीं एशियन गेम्स 2022 में महिला डिंगी नौकायन स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता है। तो नेहा ठाकुर का संबंध किस खेल से है, नौकायन से है यानी सेलिंग से है, और इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो देवास डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी याद रखिएगा। देखिए सेलिंग स्पर्धा में देवास जिले के आमलाताज गांव के किसान मुकेश ठाकुर की 17 वर्षीय बेटी नेहा ठाकुर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम किया है और वह ILSCA 4 कैटेगरी में देश की बेस्ट प्लेयर है। कैटेगरी में भारत, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान, श्रीलंका सहित 8 देशों ने हिस्सा लिया। देवास जिले में पहली बार किसी खिलाड़ी ने एशियन गेम्स में पदक जीता है और नेहा अब तक राष्ट्रीय पर 12 पदक व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 3 पदक अपने नाम कर चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखिए पीएम मित्र पार्क की स्थापना मध्य प्रदेश के किस जिले में की जाएगी, तो ये धार डिस्ट्रिक्ट में की जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पीएम मित्र पार्क की स्थापना हमारे मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट में की जाएगी। तो देखिए मंत्रिपरिषद के द्वारा मध्य प्रदेश में टेक्सटाइल पार्क के निर्माण के लिए भारत सरकार को प्रेषित प्रस्ताव का कार्योत्तर अनुमोदन दिया गया है और भारत सरकार के द्वारा स्वीकृत ग्राम भैंसोला जिला धार में पीएम मित्र पार्क की स्थापना का अनुमोदन दिया गया है। पार्क की स्थापना के लिए भारत सरकार एवं राज्य शासन के मध्य 21 मई 2023 को निष्पादित MOU का कार्योत्तर अनुमोदन दिया गया है और पीएम मित्र पार्क भैंसोला तहसील बदनावर जिला धार की स्वीकृति में निहित शर्तों के अनुरूप SPV के गठन की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें भारत सरकार का अंश 49% और राज्य शासन का अंश 51% रहेगा और SPV में राज्य शासन के अंश की राशि विभागीय बजट से उपलब्ध कराए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। देखिए मध्य प्रदेश का कौन सा जिला मत्स्य उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है, तो ये बालाघाट डिस्ट्रिक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इक्वा पार्क एवं अनुसंधान केंद्र का निर्माण हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में किया जाएगा, तो ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट में किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इक्वा पार्क एवं अनुसंधान केंद्र का निर्माण किया जाएगा। तो देखिए 26 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के जल संसाधन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास मंत्री तुलसीराम सिलावट ने भदभदा मत्स्य प्रक्षेत्र भोपाल में 25 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 4 एकड़ भूमि पर बनने वाले एक्वा पार्क एवं अनुसंधान केंद्र का भूमि पूजन किया है और केंद्र के वित्तीय सहयोग से जलीय जीवों के प्रदर्शन, उनके जीवन अध्ययन और इससे संबंधित पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक्वा पार्क की स्थापना की जा रही है। और इस अवसर पर हमारे मध्य प्रदेश के मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा है कि मध्य प्रदेश मत्स्य पालन में अग्रणी है और मछुआरों के क्रेडिट कार्ड बनाने में देश में प्रथम स्थान पर है और मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला मत्स्य उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। मंत्री सिलावट ने बताया है कि मत्स्य पालकों को रुकने और भोजन के लिए भोपाल सहित सभी जिलों में भवन बनाए जाने की भी योजना है। हमारे मध्य प्रदेश की तीसरी मेट्रो सिटी कौन सा शहर बनेगा, तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए इंदौर में भी मेट्रो आ जाएगी, कुछ दिन में ट्रायल होने वाला है, भोपाल में भी आने वाली है मेट्रो। तो और तीसरी जो सिटी है मेट्रो सिटी, वो जबलपुर डिस्ट्रिक्ट को बनाया जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए 27 सितंबर 2023 को हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर शहर को हजारों करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देते हुए कहा है कि जबलपुर को इंदौर और भोपाल के बाद मेट्रो सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा और उन्होंने कहा है कि जबलपुर शहर में 5,000 करोड़ रुपए की लागत से 116 किलोमीटर के रिंग रोड का निर्माण भी किया जाएगा। पूर्व में 1,100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले फ्लाईओवर्स का निर्माण भी किया जाएगा
और यहाँ 450 करोड़ रुपए की लागत से एयरपोर्ट टर्मिनल, 300 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे स्टेशन, 200 करोड़ रुपए की लागत से टेक्नोलॉजी सेंटर, 200 करोड़ रुपए की लागत से आईटी पार्क, 125 करोड़ रुपए की लागत से मदन महल टर्मिनल, 100 करोड़ रुपए की लागत से जियोलॉजिकल पार्क, 40 करोड़ रुपए की लागत से रियल साइंस सेंटर बनाया जाएगा। मदन महल के प्रस्तावित संग्रहालय में वीरांगना रानी दुर्गावती की 52 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित होगी। इसके साथ ही 100 करोड़ रुपए की लागत से रानी दुर्गावती का भव्य स्मारक भी बनेगा, जो उनके शौर्य और वीरता के साथ आन बान शान का प्रतीक होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा लोकार्पित किए गए फ्लाईओवर को वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम से जाना जाएगा और जबलपुर में बरेला को तहसील तथा मझगवा को नगर पंचायत बनाया जाएगा। और देखिए दोस्तों, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। और देखिए, कल 1 अक्टूबर है, तो कल से कोशिश करेंगे हम कि डेली आपका पर डे लेक्चर आए, तो इसमें आप भी साथ दीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखिएगा, इससे कोशिश करेंगे कि ये डेली क्विजेज भी स्टार्ट करें, तो इसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करिएगा। देखिए, इसमें काफ़ी मेहनत लगती है, तो इन क्वीज को काफ़ी लोग सीन कर लेते हैं लेकिन अटैम्प्ट कोई नहीं करता है, तो इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग अटैम्प्ट करिएगा, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बने। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको टेलीग्राम चैनल के लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।